हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे इस न्यूज़ आइटम के बारे में जिसमें कि एडा ने, विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना एक नया एक फ्रेश प्ली लगाया टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर रिडक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अभी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे एडाई ने बोला है कि इसको रिड्यूस करना चाहिए, एंड विच इफ अप्रूव्ड, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अप्रूव कर देती है तो इसमें प्रीमियम जो है इंश्योरेंस स्कीम्स की वो भी कम हो जाएगी, विच विल बी ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जिन्होंने भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम हो सकती हैं अगर ये अप्रूव करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। एडाई ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है और जीएसटी कट के लिए बात की है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो उन्होंने कहा है कि जीएसटी रेट्स ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को कट किया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, विच हैज़ वंस अगेन हाईलाइटेड द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ हैविंग एन इंश्योरेंस स्कीम। तो अब अगर सोर्सेज बोलते हैं जी मीडिया को कि एडाई हैज़ रिक्वेस्टेड द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिड्यूस द जीएसटी ऑन इंश्योरेंस, 18% अभी लग रहा है एंड उसको 5% के स्लैब में लाने की बात हो रही है। तो जीएसटी अगर 18% है तो अगर कोई 5,000 का इंश्योरेंस लेता है उसमें 900 रुपये तो टैक्स लग जाता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट एडाई हैज़ फॉर लॉन्ग बीन प्रेसिंग फॉर द डिमांड टू रिड्यूस जीएसटी ऑन इंश्योरेंस। तो उन्होंने काफ़ी बार बोल चुके हैं, काफ़ी बार ये स्ट्रेस किया है कि जीएसटी इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं, इंश्योरेंस तो फ्री होना चाहिए, बाकी कंट्रीज़ में तो इंश्योरेंस फ्री है बिकॉज़ आप टैक्स पेयर से पैसा भी ले रहे हैं और फिर भी इंश्योरेंस के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ रहा है, उस पर भी टैक्स ले रहे हैं, तो विच इज़ नॉट राइट। और इसी वजह से अभी सबकी की नज़र रहेगी 42nd जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग पे, विच इज़ स्केड्यूल्ड फॉर सेप्टेम्बर 19। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। अब हम इसमें ही देखते हैं कि अगर ये हो जाता है तो कौन कौन से शेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए उन शेयर्स में। तो मैंने आपके सामने ये एक HDFC लाइफ का चार्ट लगाया है, और अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ में जो आज की तारीख में जो रेट चल रहा है वो 605 रुपये का चल रहा है, और 605 रुपये का जो रेट है वो सभी अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है इस टाइम पर। और द गुड थिंग इज़ RSI भी 56-57 है, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, ये क्रॉसओवर भी हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं, अगर ये न्यूज़ आती है तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल एज़ वेल, फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर दीज कंपनीज एज़ वेल, क्योंकि फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम होने की वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनका जीएसटी जो है वो अल्टीमेटली पे करना पड़ रहा है, इनकी जेब में कुछ नहीं आ रहा है और इनको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, राइट। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें ये गिरना शुरू हुआ था जब हाई इन्होंने इसने लगाया था 647 का, वहाँ से ये इवनिंग स्टार बना के और ये गिरते गिरते अभी 630 रुपये का एक हर्डल है इसका, 630 और फिर 647। तो अगर कोई कल भी ले लेता है इसको, 607, 610 जो भी अगर खुलता है, अगर इस रेट के आसपास मिल जाता है और 640 के आसपास निकल जाता है तो भी अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है इस शेयर में। इसी तरह से अगर हम SBI लाइफ का भी चार्ट उठाकर देखते हैं तो SBI लाइफ में भी आप देखेंगे कि SBI लाइफ में सभी एवरेजेस के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 864 रुपये पर ये क्लोज़ हुआ है, और 864 के लिए पहला जो इसके पास हर्डल है वो पहला हर्डल है 921 रुपये का। तो अगर यहाँ पर भी कल खुलते से ही इसको ले लिया जाए तो इसमें भी अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है क्विक बक बनाने के लिए। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो RSI आज की तारीख में 55-56 के आसपास ही है, और इसमें भी अगर आप MACD का देखेंगे तो क्रॉसओवर हो चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेज आने शुरू हो गए हैं। तो मेरा कहना है, अगर ये न्यूज़ मान लीजिए सिर्फ र्यूमर हो और 42nd जो इनकी जीएसटी काउंसिल में रिजेक्ट भी हो जाती है प्ली, तो भी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस सेक्टर। अब हम इसी तरह से ICICI प्रूडेंशियल का भी चार्ट लगा कर देखते हैं, ICICI प्रूडेंशियल में क्या हो रहा है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो चार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ये 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। 20 ईएमए इसका 441 है, तो 20 ईएमए, 20, 50, 100, 200 सभी के ऊपर ये चल रहा है। और इसमें भी जो टॉप पर 487 का टॉप बनाया है तो वहाँ तक आने का एक बहुत ही अच्छा एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इसमें भी क्रॉसओवर होने के कगार पर है, हो सकता है कल ये क्रॉसओवर हो जाए एमएसीडी पर। और इसका भी अगर आरएसआई देखते हैं तो 48, 49 के आसपास का आरएसआई है। तीनों ही शेयर का आरएसआई 50 के आसपास है। तीनों दो शेयर में ऑलरेडी ये एमएसीडी पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आने शुरू हो गए हैं और क्रॉसओवर हो गया है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में होपफुली ये कल क्रॉसओवर हो जाना चाहिए। अब हम फंडामेंटली इन कंपनीज को देखते हैं, फंडामेंटली क्विकली कैसे कैसा ये कर रही हैं। अगर हम एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मार्केट कैप है 1,22,000 करोड़ का। अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो 604, 605 पे बंद हुआ है। 647 का 52 वीक हाई है। बुक वैल्यू 33 है, तो प्राइस टू बुक जो अगर देखते हैं तो 17-18 टाइम्स है। इंडस्ट्री का पी 55 है जबकि स्टॉक का पी 92 है, तो डेफिनेटली हाई है। बट क्वालिटी के साथ पी भी ज़्यादा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स ज़्यादा पी देने को भी तैयार रहते हैं, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग। तो इसी वजह से इसका स्टॉक का पी 92 ज़रूर है, हाई है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी गज़ब है। एचडीएफसी का नाम है, वो सब अच्छी चीज़ें। आरओसीई देखेंगे 20 के ऊपर है, 20% के ऊपर। आरओई भी 20% के आसपास है, तो बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 60.43% है, प्लेज कोई भी नहीं है। शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,322 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये कंपनी है। सिमिलरली हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी देखते हैं, प्राइम एफएसी कैसा दिखता है ये। तो मार्केट कैप इसका 63,000 करोड़ है, प्राइस 439 है, 52 वीक हाई 537 है। बुक वैल्यू इसकी 54 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो गया, 8.10 प्राइस टू बुक है। एचडीएफसी का प्राइस टू बुक कितना था, 17-18 टाइम्स। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा सस्ता मिल रहा है, 55 का इंडस्ट्री का पी है, वहीं पर ये 59 का पी पे मिल रहा है। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज़ अ लिटिल चीपर। आरओसीई भी अच्छा है 17%, आरओई भी अच्छा है 15%। प्रमोटर होल्डिंग एचडीएफसी से भी बेहतरीन है, 73-74% की प्रमोटर होल्डिंग है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,070 करोड़ का इन्होंने दिखाया था, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 0.78% है। तो इस टाइम पर अगर देखते हैं प्रोडेंशियल में, प्रोडेंशियल थोड़ा सा चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। सिमिलरली एक और थर्ड कॉम्पिटिटर है एसबीआई लाइफ, वो 86,444 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। करंट प्राइस 864 का है, 52 वीक हाई 1030 है, वहाँ से काफ़ी स्कोप है इसमें। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 93 का बुक वैल्यू है, जबकि प्राइस टू बुक देखेंगे तो 9.28 है। तो सेम स्टॉक का पी 59-60 के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 55 है। सबसे हाईएस्ट पी अभी तक आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक भी एचडीएफसी लाइफ को मिला हुआ है, और स्टॉक का पी भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी लोग बुलिश रहते हैं बिकॉज ऑफ द एचडीएफसीज क्रेडिबिलिटी। आप आरओसी देखेंगे तो एचडीएफसी से भी अच्छी है 22%, आरओई भी 17-17.5%, और सेल्स ग्रो 3 साल का 12.5% से सेल्स ग्रो कर रही है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। तो आउट ऑफ द लॉट सेल्स ग्रोथ पैरामीटर पर बाकी दोनों की नेगेटिव है, बट यहाँ पर 13% की सेल्स ग्रोथ हो रही है लास्ट 3 ईयर्स से। प्रमोटर होल्डिंग 61% के आसपास है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। अगर आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 5-5.5% की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1400 करोड़ का, 1450 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है। तो कंपनी वाइज बहुत अच्छी है एसबीआई लाइफ, आउट ऑफ द लॉट अगर आप देखते हैं तो बेस्ट पॉइज्ड है, बिकॉज स्टॉक का पीई भी 60 के आसपास है, विच इज़ एज गुड एज इंडस्ट्री पीई। और एचडीएफसी सबसे महंगा है, बट महंगी चीज़ और महंगी होती जाती है, जैसे जैसे हमने देखा है कि अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, गरीब आदमी और गरीब होता जाता है। सेम जैसे मोटा भाई रिलायंस जो है वो मार्केट कैप गेन करता ही जा रहा है, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। तो इसी तरह से अगर ये एडीआई की प्ली मंजूर हो जाती है तो तीनों ही स्टॉक में एक स्टीम जनरेट हो सकती है, और अगर आप
स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वैसे तो लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है ये। अभी आज की तारीख में मेरे ख्याल से 3% या 4% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है, बाकी अभी बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है जहाँ पर कि लोग इंश्योरेंस लेना शुरू करेंगे और समझेंगे वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। सो दिस इज़ इट। इन केस यू लाइक माई वीडियोज़, यू लाइक माई कंटेंट, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।